सुशांत सिंह राजपूत मामले में फिर दोबारा ईडी को बयान देने ऑफिस पहुंची रिया चक्रवर्ती। ईडी ऑफिस ने एक्ट्रेस से लगातार पूछताछ जारी की। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी रिया से बारीकी से पूछताछ कर रही है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान इनकम टैक्स रिटर्न्स की जानकारी हासिल हुई है, जिसमें कई बड़ी बातों का खुलासा हुआ है। चलिए आपको बताते हैं उन बातों के बारे में। 2017 से लेके 18 और 2018 से लेके 19 तक वित्तीय वर्ष के ITR में रिया चक्रवर्ती की कमाई में अचानक बढ़ोतरी हुई, लेकिन सोर्स का पता नहीं था कि किस सोर्स से उनकी इतनी जल्दी बढ़ोतरी हुई। रिया ने कई जगह इन्वेस्ट किया जो उनकी इनकम से कई ज्यादा है। वित्तीय वर्ष 2017 और 2018 में रिया की कमाई करीब 18 लाख थी। वित्तीय वर्ष 2018 और 2019 में रिया की ITR में 18 लाख रुपए की कमाई दिखाई गई है। 2018 से लेकर 2019 में रिया की फिक्स एक्स 96,000 से बढ़कर 9 लाख तक पहुंच गए। वहीं आपको बता दें, 2017 से लेकर 2018 में 34 लाख रुपए की शेयर कहां से खरीदे, जबकि कमाई 18 लाख रुपए है। रिया का शेयर होल्डर फंड 2017 से 2018 में 34 लाख से 2018 और 2019 में 42 लाख तक पहुंचा। इसके अलावा HDFC बैंक, ICICI बैंक में उनकी FDs की भी जांच हो रही है। ITR में 2017 से लेकर 2019 के बीच किसी बड़ी ट्रांजैक्शन की जानकारी नहीं है। आपको बता दें, सुशांत के परिवार का आरोप था कि सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। इसके साथ कई और खर्च भी किए गए हैं। इन सब आरोपों के बाद ईडी लगातार अपनी जांच कर रही है। रिया के अलावा ईडी उनके परिवार और उनके मैनेजर से भी पूछताछ कर रही है। बताते चलें, अब इस मामले की CBI सुशांत के परिवार यानी उनके पिता KK सिंह और बहन से भी पूछताछ करेगी। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट टाइम लाइफ रिपोर्ट्स, और मैं हूं आपके साथ साधिका कौर।